वेलकम सर। हाँ ये मिश्रा जी। प्रणाम। नमस्ते सर। कैसे डॉक्टर जी? ठीक है। नमस्ते मंत्री। प्रणाम। राजगढ़िया सेठ, धंधा पानी तो ठीक चल रहा है ना? कृपा है आपकी। इसको कहते हैं रिजल्ट। देखा डी आजी वर्मा साहब, ये है हमारा आदमी। आपने तो नकली लोगों को गिरफ्तार करवाकर हमको खबर कर दिया। हमारे अफसर ने तो असली डाकू को ही साफ कर दिया है? वो तो है ही। अमित कुमार आते ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। हमने जब इनको यहां भेजा था तो इन्हें बस एक ही ड्यूटी दिया था कि हमारे तेजपुर को अपराध और करप्शन के डबल कैंसर से मुक्त करवाइए। पर आज इन्होंने हमारे विश्वास को 100% रखा है। हम इस मंच से आज ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगला 26 जनवरी को प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल अमित कुमार को मिलकर ही रहेगा। इतने कम समय में अमित कुमार ने जो सफलता प्राप्त, पता लगा हम ट्राई कर रहे हैं। तुम टराई करते रहो, यहाँ कल का छोकरा हीरो बन गया। नहीं सर, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। दरअसल इस सफलता के असली हकदार बच्चा यादव है। अरे हाँ हाँ, सिपाही तो लड़ते ही हैं, मगर जीत का मेडल तो सेनापति को ही मिलता है ना? पीपरा डकैती कांड केस तुम्हारे हाथ में 7 अप्रैल को आया और 13 मई तक तुमने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके केस सॉल्व कर दिया। रानीगंज डबल मर्डर, हत्या में शामिल दोनों रिश्तेदारों को 72 घंटे में हिरासत में लिया। सराय टोला रेप केस, नाथोपुर हत्याकांड, नयनगढ़ जालसाजी का मामला और ये बाकी के 18 केस जो तुम्हें दिए गए और तुमने उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। एक्सलेंट। अपनी समझ और लगन से ज्यादातर केस सॉल्व किए। उनकी छानबीन और जांच में प्रोग्रेस हुई और जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की बेईमानी नहीं हुई। गुड। इन्हें देखकर कोई शक नहीं होता कि तुम एक अच्छे, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इन फाइलों पर जाती है, मेरी समझ धोखा खा जाती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कैसे पिछले 7 सालों में तुम्हारा ट्रांसफर इस जिले के बाहर हुआ ही नहीं। कैसे साधु और सुंदर यादव के सभी केसेस और मामले तुम्हें ही सौंपे गए और कैसे उनके किसी भी मामले में लगभग कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यहां तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी को क्या हो जाता है। नोनवा तुम्हें साधु यादव से मिला था ना? सर सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तुम तो यह भी नहीं समझोगे कि जिस चीज से मुझे सख्त नफरत है, आज तुम्हारी वजह से उसी काम के लिए मुझे जबरदस्ती हीरो बनाया गया। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी इस धोती बहादुरी से मिले तमगे के एहसान तले मैं अपनी निगाह तुम्हारी करतूतों से हटा लूंगा तो यह तुम्हारी भूल है बच्चा यादव। सर आप क्यों करते हो तुम साधु यादव के लिए काम? क्या लगता है वो तुम्हारा? नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं सर। नोनवा के बदले क्या दिया है तुमने उसे? अपना ईमान या फिर मुझे बेचने की कोशिश की है? सर वो हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम नमक तो पुलिस का खाते हो लेकिन उसका हक अदा करते हो साधु यादव को। सर आप, सर हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। बच्चा यादव, ईमानदारी और बहादुरी की कदर करता हूं मैं, लेकिन अंधा नहीं हूं। नोनवा कांड में जो तुमने किया वो कायरता है और इस तरह का चरित्र मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे सच चाहिए और वो तुम मुझे बताओगे, अंडरस्टैंड? और तुम क्या सोचते हो, तुम उसकी जात वाले हो तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा? ऐसे लोग ना जात देखते ना खून देखते, बस अपना मतलब। जब अपनी शरण में आए नोनवा को उसने बेच दिया तो क्या गारंटी है कि जैसे ही उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा वो तुम्हें नहीं नीलाम करेगा? जा सकते हो तुम।
साधु बाबा पहले हमको दीजिए, हम सस्पेंड में। अरे हाँ मंगनी राम, तो दो पैकेट ले। शाबाश, लो। क्या हो रहा है ये सब? हमरे भोले बाबा ने आपका सच्चा भक्ति का मनोकामना पूरा कर दिया एसपी साहब। कितना फख्र की बात है तेजपुर के लिए, आपको मेडल मिलेगा। उसी खुशी में हम प्रसाद बांट रहे हैं। आइए सर, आइए। फौरन बंद करो ये सब। और किसने तुम्हें इजाजत दी यहाँ ये नौटंकी करने की? एसपी साहब, बेताज बादशाह हम तेजपुर के, यहां हम इजाजत लेते नहीं देते हैं। जितनी जल्दी हो सके नए कायदे सीख लो साधु यादव, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हमने सोचा था तुम समझदार आदमी हो, इसमें तुम्हारी तरक्की के लिए हमने का कुछ नहीं कर दिया, इतना बड़ा सौगात तक भेज दिया, मगर हम गलत थे, तुम हमारी दोस्ती के काबिल नहीं। चलो सर। अरे हमको को तो पहले से ही शक था कि यह साधु यादव की करामात है। एसपी क्या कर रहे अभी? सर, बच्चा यादव को बुलाया है कमरे में। पता करो क्या हो रहा है। सर, कहा था ना मैंने तुमको, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। ओ सर, इंस्पेक्टर बच्चा यादव, मुझे पूरी रिपोर्ट और तुम्हारी स्टेटमेंट चाहिए, और जब तक वो तुम दे नहीं देते दूसरा कोई काम नहीं करोगे। हेलो, अमित को फोन दो। जी सर, डीआईजी साहब है लाइन पर। सर, बहुत अच्छा किया तुमने अमित, साधु यादव के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ब्लडी रोग। सर अरे अभी पता चला साधु यादव का इंसल्ट, डिपार्टमेंट में ऐसी बात कहां चुपती है। खैर, वो बच्चा यादव के साथ क्या कर रहे हो तुम? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है सर, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। लेकिन सोच समझ कर करना, मंत्री खुद तुम्हारी पीठ ठोक चुके हैं। नोनुआ कांड की सच्चाई सामने आई तो डिपार्टमेंट के साथ उनकी पोजीशन भी खराब हो जाएगी। सर, तुम बच्चा यादव का कन्फेशन ले लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। जरूरत पड़ने पर जरूर बात करूंगा सर। सर, इंस्पेक्टर बच्चा यादव को ऑफिस से मेमो भी दे दें? आप देना चाहते हैं? नहीं सर, वो आप ही ने तो इसे ड्यूटी से मना किया ना। डीएसपी भूरेलाल जी, इनके साथ जो करना मैं कर रहा हूं, आपकी जरूरत होगी तो बताऊंगा। सर ये मैं देख लूंगा। सर और सुनिए, डीआईजी वर्मा को यहां की खबरें बताना, और बिना इजाजत मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं है। आइंदा से ध्यान रखें। सर, तुम जा सकते हो। सर सर, प्रणाम भैया। प्रणाम बच्चा भैया। प्रणाम भैया। भट्टी के धंधे में माल अच्छा है सुंदर भाई, लेकिन ये काम हमारे पास का नहीं है, समझ नहीं रहा है। तुमसे कौन बोलता करने को, तुम खाली फाइनेंस करो बस। तुम्हारे एसपी को फिट करना पड़ेगा, बहुत बचर बचर करता है साला। कुछ बात करना था आपसे सुंदर भाई। हाँ बोल, क्या बात है? चल। डाउट हो गया है साहब को, बाबा सबके सामने बोल दिए, हमारा नौकरी पर तो आफत आ जाएगा सुंदर भाई। तो क्या हुआ, नौकरी दिलवाए भी तो बाबा ही थे ना। तो फोकट में चिंता मत कर, एसपी ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। सुंदर भाई, ये ददुआ क्या कह रहा है मेरी समझ में? बिल्कुल ठीक बोला उसने, देखो पैसा तुम्हारा, लेबर हमारा, 50-50। लेकिन सुंदर भाई, अब ददुआ ने तो बोल दिया। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी, आइए। सवेरे से पी रहे हैं मंगनी।
अरे आप बाहर कहे खड़े हो, अंदर आओ ना। ये काहे आया यहाँ? हमारे साथ आया है, कुछ बात करना तुमसे। हमसे क्या बात करेंगे आप? यहाँ टोटल फ्यूज हो गया है, पता ही नहीं ये साला की नौकरी से है कि आउट। ना चार सीट ना ड्यूटी, दर्शंकु हो गए साला। आप क्या बात करेंगे आप? अब बस भी कीजिए, कितना ढारेंगे? लेक्चर मत झाड़िए, गिलास लाइए तीन ठो। गिलास लाइए नहीं, उठाइए। अभी जी चाय बनाइए गर्मा गर्म। क्या बात है? एसपी साहब मानने को तैयार नहीं है, नौकरी चला जाएगा। बच्चा भाई अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे भाई रामायण बंद कीजिए और डायरेक्ट पॉइंट पर आइए। अरे भाई ट्रांसफर करवाना है मंगनीराम का, पूरे लाजी लेके गए थे डीआईजी साहब के पास। 2 लाख का डिमांड किया वर्मा जी। तो सुने तुम भी ट्रांसफर करवा रहे हो, साधु बाबा से बोलते तो साथ में हमारा भी। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं, कहा समझ रखा है हमको? दलाल, अरे खाकी वर्दी वाले हैं हम, पुलिस वाले। पुलिस वाले हैं तो खौफ में काहे नौकरी करते हैं? एक क्षण का चैन नहीं, कभी गुंडे का डर, कभी इज्जत का डर, कभी साहेब का डर, हर काम में खतरा। काहे करते हैं ऐसा नौकरी आप लोग? बाबा कहाँ हैं? बैठे हैं गार्डन में। जल्दी कुछ कीजिए बाबूजी, जिनाया एसपी टिक गया तो बहुत मुश्किल करेगा। आफत कर रहा अपना आदमी लोग पर। बच्चा का बात कर रहे हो? आया था कल हमारे पास, बहुत ही बौखलाया हुआ था। मरने दो साले को, हमरा ही पाला हुआ कुत्ता है, आखिर किस दिन काम आएगा? तुम अपना बिजनेस का फिक्र करो, वो पीडब्ल्यूडी वाला टेंडर का क्या हुआ? कल 4 बजे जाएंगे। काल है बच्चा यादव, सुने वर्दी उतार दिया ने एसपी? बच्चा आया? अरे आओ आओ बच्चा, का हाल है? क्या का है? सब ठीक है बाबा। का हुआ? अरे इतना टेंशन में काय हो? अरे कुछ नहीं होगा तुमको, हम है ना, ले और जरूर पड़े तो बोल देना, ले। बस बाबा आपका दिया सब कुछ हमारे पास, अब कुछ नहीं चाहिए। राम भैया प्रणाम। सुंदर भैया तैरन का आवाज सुनते ही रेडी कर दिए थी। का टेंशन है बाजार समिति भवन का टेंडर में? कुछ नहीं भैया, वही पुराना राग, खुमचा फेरी वाला सब यूनियन बना के टेंडर भरा है, बिल्डिंग बनाएगा। माजर जात, कितना चूना डाला रे बंशी, मुंह कट गया साला। थूक दीजिए सरकार, दूसरा तैयार कर देते हैं। तुम पहुंचो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में, टेंडर का टाइम हो गया है। ठीक है भैया। अरे मुन्ना ठाकुर काहे गला फाड़ रहे हो? इंजीनियर बहुत कानून बतिया रहा है साला। यूनियन का टेंडर है 27,56,000 और दूसरा टेंडर है। और सुंदर कंस्ट्रक्शंस का 30,35,000 और इस भवन का ठेका दिया जाता है सुंदर कंस्ट्रक्शन को। लगाइए मोहर।
देखिए ये जायज नहीं है। जो बोला है वो करो इंजीनियर, नहीं तो आपको बना देंगे हम टोटल नाजायज, समझे? देखिए हम ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब से तेजपुर ज्वाइन किया है तब से देख रहे तुम्हारा नौटंकी। बात कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ोगे मदर जात? बात समझ में नहीं आता है? तेजपुर में तुम्हारी चलेगा। याद रखना सुंदर कंस्ट्रक्शन। रविदास मैंने ही फोन किया था आपको, यहां से अखबार निकालता हूं तेजपुर एक्सप्रेस। एक्सरे निकाला है, बायां पसली में चोट जरा ज्यादा है। आपने पुलिस को स्टेटमेंट देने से मना क्यों कर दिया? एक्सीडेंट हो गया था एसपी साहब, अब उसमें पुलिस कंप्लेंट क्या करना? देखिए अगर आप ही पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं एसपी साहब, हम सीढ़ी पर से गिर गए थे। खान इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करो और कोशिश करो इनसे बात करने की। सर और देखिए जब भी आप बात करना चाहें या स्टेटमेंट देना चाहें बेहिचक मेरे पास आइए। दर्द में कुछ कमी।